कुजूजांपुला नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल जी। तो आज फिर वापस से मेरा चैनल में सबको स्वागत है। तो मेरा जो बुनिस ट्रेडिशनल हेल्थर तो जो छेशम बोलता है हम लोग, उसको मैंने पेंटिंग करके तो आगे से मैंने दो वीडियो डाल चुका था। तो अभी ये थर्ड वीडियो है ना मेरा, इसमें मैंने जो छेशम का जो नीचे वाला बेस, हम लोग छेठी कहते हैं, छेठी इसको हमारा जो भाषा में छेठी कहता है। तो छेठी का जो आगे का एट लकी साइन का जो पेंटिंग मैंने लगभग सब फिनिश कर दिया। तो अभी ये गैलसन में जो एट लकी साइन का उसमें जो अभी जो मैं कर रहा है ना, वो गैलसन बोलता है। तो गैलसन का जो बीच में उसका एक तो जो हमारा टाइगर का स्किन का डिज़ाइन लगाना है ना, इसलिए थोड़ा मैंने अभी टाइगर स्किन का डिज़ाइन ऐसे लाल और ये मिक्स करके बना रहा है। ठीक है, किस्म किस्म का अपना अपना बनाता है, कोई ऑरेंज और ऐसे मिक्स करके बनाता है जो टाइगर का कलर होता है ना, जो बाघ का स्किन का नक्शा उसको बना रहे हैं अभी हम। तो आप लोग ये शीशम को हमारा बुद्धिस एल्टर को पेंटिंग कैसे कर रहा है वो एंड तक देख लीजिए। अभी ये सिर्फ मैंने जो नीचे का बेस है ना वो ख़त्म किया हुआ है, और ऊपर वाला जो मेन भगवान जी का मंदिर होता है ना एल्टर, उसको अभी स्टार्ट मैंने लाल रंग सब लगा के थोड़ा रेडी किया हुआ है। तो ये जो ये नीचे वाला का बेस फिनिश करने के बाद में मैं ऊपर वाला का भी पेंटिंग करके तो उसके बारे में भी वीडियो में बना के दिखाई देगा। ठीक है सबको। ट्रेडिशनल एल्टर में तो अपना अपना जो भूटान का बुद्धिस्ट का जो स्टाइल अलग के होता है। तो टिबेटियन का जैसे एल्टर का अलग के होता है। तो नेपाली में भी ऐसे तामंग शेरपा युल्मो बहुत जब जितना भी बुद्धिस्ट का धर्म मानता है ना
उसमें से अपना अपना हर एक के घर 106 शम होता है, ठीक है, 6 शम एल्टर। तो ये जो 6 शम एल्टर है वो सब अपना अपना जो ट्रेडिशनल के मुताबिक से बनाता है। तो हम लोग को भूटान में भी ऐसे करके अपना अपना जो ट्रेडिशनल का जो बुद्धिस्ट का एल्टर ऐसे किस्म किस्म का अलग अलग का ऐसे करके बनाता है, ठीक है। तो मेरा जो पिटियाँ भी मेरे को थोड़ा हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसमें जो सादा कलर जो नीचे का बेस और सोना चांदी का कलर लगाने का सब मेरा बच्चा लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये हम लोग डुमकर कहते हैं, डुमकर उसका पहले मैंने सफेद लगाया था ना, उसके बाद में जो काला रंग से उसका जो डिज़ाइन जो डुमकर का डिज़ाइन ऐसे बनाता है, ठीक है। ये जो मैंने पेंट अभी पेंट कर रहा है ना, उसमें मैंने इंडिगो पेंट प्लास्टिक पेंट यूज़ किया हुआ है। जो पहले का ज़माने में हम लोग तो जो मिट्टी का कलर होता है ना, खुद हाथ से पिसा के अच्छा से पीस के उसमें पाउडर में कम जो स्किन का कम लगा के बनाता है ना। अभी थोड़ा काम थोड़ा हल्का से हो गया, क्योंकि ये एक तो पहला टिबेटन वाला थम्स अप का पेंटिंग भी है पेंट। अगर आप लोगों को मेरा जो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो आने वाला वीडियो का जो फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहला आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये जो मछली का आँखें डिज़ाइन बना लिया है, ठीक है, बना के तो अभी साइड साइड फ्रेम का उसमें जो फूलों का बीच में सोना लगाने के लिए अभी पीला कलर लगा रहे हैं हम, ऐसे करके बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आगे का फिनिश करके अभी जो साइड साइड में राइट साइड और लेफ्ट साइड में करने वाला है उसमें मैंने छप्पा लगा दिया, ठीक है, छप्पा। उसको ये छप्पा को हम लोग गिरी कहते हैं, गिरी हम लोग को भाषा में, ठीक है। गिरी मतलब जैसे ये एक तो ज़्यादातर चाइना मेड का जो सिल्की का कपड़ा होता है ना, उसमें ऐसे वाला डिज़ाइन हुआ, ठीक है, गिरी। तो उसमें हम डिज़ाइन ऐसे बना के तो साइड का जो पेंटिंग अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिए। ये जो ग्यूरी का जो नक्शा अभी हम जो बना रहे हैं ना, उसमें बादल का नक्शा भी शायद ऐसे वाला ही बनाता है, सेम टू सेम है, लेकिन उसका हिसाब से वो जो चाइनीज़ का जो कपड़ा में भी ऐसे बनाता है ना उन लोगों को, कपड़ा का जो डिज़ाइन में ऐसे वाला है, ठीक है, सिल्की कपड़ा का। उसमें पहला जो बाहर का
थोड़ा ठीक लगा के अंदर का जो लाइन है ना वो थोड़ा पतला करके लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। बीच बीच में जो गैप रखा था ना उसमें हम ये कलर वाला गिरी डालेगा, ठीक है, बना के ऐसे करके। हम लोग को ये ट्रेडिशनल पेंटिंग में मेन जो कलर होता है ना ग्रीन ब्लू ऑरेंज रेड इतना ही है, ठीक है। उसके बाद में जो उसके ऊपर से लगाता है ना वो ग्रीन का ऊपर से ग्रीन लाइट, ब्लू का ऊपर से ब्लू स्काई लाइट, तो रेड का ऊपर से पिंक, ऑरेंज का ऊपर येलो करने से जो कलरफुल दिखता है, ठीक है, कलरफुल। इसके बाद में जो आउटर वाला लाइन होता है वो सफेद लगा देगा और इनर वाला लाइन काला लगा देगा, इसे करके बनाए, ठीक है। तो इसमें मैंने लगभग वो जो स्काई ब्लू और येलो पिंक सब लगा के अभी आउटर लाइन में सफेद लगा रहा है, ठीक है, सफेद। बाद में तो इनर लाइन में ऐसे करके काला लगा देगा, देखने में थोड़ा अच्छा से दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल एल्टर को पेंटिंग कैसे करता है उसका जो आप लोग मेरा ऑडियंस लोग अलग अलग जगह से देख रहा है, इसलिए तो मेरा पेंटिंग ये जो कैसे लग रहा है आप लोगों को अच्छा या बुरा कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताई दीजिएगा। सभी को मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद करिंचेला।